नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का सोशल मीडिया पेज। मैं हूं आपके साथ आशीष सिन्हा। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कुमार शास्त्री ने सनातन हिंदू यात्रा शुरू की है। ये पद यात्रा उन्होंने शुरू की है और आज इस पद यात्रा का दूसरा दिन है। करीब 160 किलोमीटर की उनकी दूरी तय करनी है। ओरछा तक ये पद यात्रा बाबा बागेश्वर करेंगे, लेकिन इस पद यात्रा के शुरू होते के साथ कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर बाबा बागेश्वर को सनातन हिंदू यात्रा करने की जरूरत क्यों आन पड़ी। इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान हैं। हमारे साथ शोरिक सिद्दीकी साहब हैं जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं। हमारे साथ डॉक्टर संतोष ओझा जी हैं जो हमारे चैनल के पूर्वांचल हेड हैं। हमारे साथ जया मिश्रा जी हैं जो धर्म शास्त्री हैं। हमारे साथ किशोर शास्त्री जी हैं, ये भी सनातन धर्म शास्त्री हैं। सबसे पहले जया मिश्रा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। बाबा बागेश्वर को ये हिंदू जो यात्रा है, एकता यात्रा है, उसको जरूरत क्यों आन पड़ी हिंदू एकता पद यात्रा शुरू करने की? नमस्कार, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि ये पूरा पॉलिटिक्स के थ्रू प्रेरित है और हिंदू ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा जागरूक थे। उनको जागरूक कराने की जरूरत नहीं थी। ऑलरेडी हमारे यहाँ करोड़ों सनातनी रोज भगवान की कथा सुनते हैं और रोज धर्म से जुड़े हुए हैं। वृंदावन, मथुरा, संपूर्ण विश्व में हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा है और बाकी धर्म को तो लोग अब छोड़ के हिंदू धर्म में आ रहे हैं। हमारे पास अमेरिका, रूस, जापान, लंदन, पेरिस, यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पूरे देश के लोग हमारे पास आ रहे हैं जो कि मतलब हमारे धर्म को अपना रहे हैं। तो हमारे धर्म को कहीं से किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये बाबा बागेश्वर को अपनी टीआरपी बनानी है और अपनी टीआरपी के थ्रू, चूंकि इस व्यक्ति को ज्ञानवान तो है नहीं, और ये शंकराचार्य जी को भी कुछ बोल देता है। ये शंकराचार्य जगत गुरु शंकराचार्य जी को जिसको सम्मान करने का, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती की बात कर रहे हैं आप? स्वामी स्वरूपानंद जी अब नहीं रहे, उनके शिष्य द्वय पुठाधीश्वर स्वामी स्वरूपानंद थे, उनके बाद जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी की बात कर रहा हूं मैं। उनको उन्होंने भरे मंच पे रामभद्राचार्य जी के मंच पे जाकर कहा कि तथा कथित शंकराचार्य धारा 370 हटवाना चाहते। अरे, धारा 370 इसलिए हटवाना चाहते हैं क्योंकि धारा 370 कश्मीर में, उस धारा में जो एक एक्ट था, उस एक्ट में ये था कि गौ हत्या नहीं होगा और उस धारा 370 के आड़ में गौ हत्या का एक्ट भी हटा दिया गया। सो उन्होंने कहा कि अगर धारा 370 हटता है तो उस एक्ट को छोड़ के हटाना चाहिए था। सो उन्होंने ये गलत नहीं, पूरी वक्तव्य तो सुनता नहीं अगला, क्योंकि अगले को तो बस केवल कुछ भी बोलना है। और वो जिस पीठ के ऊपर बैठ के बोल रहे थे, उनके गुरु थे क्या? जी जय जी, अपनी बात पूरी करिए आप। हमारा कहना है कि जो पीठ था, उस पीठ के जो शंकर, जो पीठ के गुरु शिष्य हैं, उनके शिष्य के ही ज्ञान में कमी है, जो अपने अपने चेले को सही ज्ञान नहीं दे रहे हैं। अब तो उनकी पूरी आयु पूर्ण हो गई है। अब ये बाबा बागेश्वर को सोचना चाहिए कि नया नया अभी आए हैं भूत प्रेत पिशाच झाड़ फूक के, और जो शंकराचार्य जो सनातन धर्म के सर्वोच्च हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, उनको जो मर्जी वो कह दे, इसका क्या मतलब है? तो इसलिए मैं नहीं, लेकिन ये बताइएगा कि अगर वो हिंदू एकता अपनी पदयात्रा निकाल रहे हैं तो इसमें तकलीफ किस बात की? हिंदू एकता, अच्छा ये बताइए, इसके पहले हिंदू एक नहीं थे कि इनकी एकता? ये अपनी अपनी दुकान चलाने की बात है, अपना दुकान चलाएं, लेकिन अगर ये इनका विरोध मेरा हिंदू एकता से नहीं है। इसके पहले भी हिंदू एक थे, इसके पहले भी हिंदू एक थे, एक हैं, आगे भी एक रहेंगे। अगर हिंदू एक नहीं होते तो इतनी बड़ी ब्रिटिश शासक हमारे यहाँ शासन करके ब्रिटिश समाप्त नहीं हो जाता, ब्रिटिश शून्य नहीं हो जाता, और इतने बड़े जिसके पास लाखों करोड़ों का भीड़ है, उस भीड़ का व्यक्ति को इस तरह के सहारा की आवश्यकता क्या पड़ गई? हमें नहीं लगता कोई सहारा, लेकिन बस केवल सरकार से प्रेरित है। सरकार चूंकि अपने कार्यों से, मैं बीजेपी विरोधी नहीं हूं, लेकिन मेरा ये कि ना तो बीजेपी पे सवाल है, इनको अब नेता बनना है, क्योंकि देखिए इनके पास शिक्षा नहीं है और इनके पास ज्ञान नहीं है। अब ज्ञान शिक्षा नहीं है तो भूत प्रेत झाड़ फूक का जो कार्य है वो कार्य बहुत दिन चलेगा नहीं। दुकान
तो ऐसे क्रम में अपना एक नया काम इन्होंने थाना है, जिस कार्य की व्यवस्था इस तरह से सुचारू रूप से चल रही है, जिसको ये चलाना चाह रहे हैं, तो वो अपना एक नया वो है। हम लोग इनको ना तो कोई महात्मा मानते, मैं आचार्य जय जय काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हूँ और मैं वाराणसी से हूँ। जब इन्होंने ये वक्तव्य दिया कि तथा कथित शंकराचार्य, मैं कहता हूँ बागेश्वर धाम किसी भी यात्रा को करने से पहले एक बार शंकराचार्य जी के गए भी हैं, उनका दर्शन, उनके चरणों में भी बैठे हैं, उनका दर्शन भी किए हैं। उन्होंने हमको इनडायरेक्टली पता चला कि माफी भी मांगा है, लेकिन किसी को मंच पे आप अपशब्द बोलिए और अकेले घर में माफी मांग लीजिए, ये तो कोई मतलब नहीं है। तो मतलब नाराजगी इस बात से है कि सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी, आपकी नाराजगी इस बात से है ना? नाराजगी सार्वजनिक तौर पे नहीं मांगना है उनको। मैं बता दूं कि चार दिन की चांदनी फिर अंधेरी पाक, अगर ऐसे ही बड़बोल रहेगा तो किसी भी समय कहीं भी किसी अवस्था में, चूंकि देखिए शिक्षित व्यक्ति विरोध नहीं करता, शिक्षित व्यक्ति विरोध नहीं करता है। शंकराचार्य जी के करोड़ों अनुयायी ऐसे हैं जो साइलेंट हैं, जो उनके अनुयायी ऐसे हैं कि जो लाखों करोड़ों के भक्त ऐसे हैं, लेकिन वो शिक्षित हैं, कोई आईएएस है, कोई पीसीएस है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई बड़े बड़े पोस्टों पे है, तो उनको इस तरह का इसलिए विरोध नहीं कर रहा भाई कि चलिए ठीक है इनका कोई महत्व नहीं है। उन्होंने अपने आप को ये मान लिया कि चलिए ठीक है अब ये दिए तो बोल दिए, लेकिन मन के अंदर हमें जैसी पीड़ा है वैसे ही करीब लाखों लोगों के अंदर पीड़ा है, करोड़ों अंदर की लाखों लोगों की पीड़ा है। किशोर शास्त्री जी, आपने जया मिश्रा जी को सुना होगा, कह रहे हैं पीड़ा है, और बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये केवल एक कादंबर है। उन्होंने ये भी कहा कि ये केवल राजनीतिक मूव है, आगे जाके इनको सियासत में आना है। वस्तुतः आप अगर देखें पूरी इनकी, तो ये सरकारी पपेट है जो कठपुतली के रूप में काम करते हैं, और सरकार के लोग जो बुलवाना चाहे कि बुलवाना, एक तरफ से सरकारी नौकरी समझ लीजिए आप। पहले भी इनकी ये परंपरा रही है कि राम भद्राचार्य जो इनके गुरु हैं वो शंकराचार्य का विरोध करते रहे हैं, तो राम भद्राचार्य ने बार बार टिप्पणी की है, रमलीना स्वनाम धन्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी के विरुद्ध में भी राम भद्राचार्य जी ने प्रलाप किया था, उसके बाद रामायण को लेकर, उत्तरकांड को लेकर उन्होंने प्रक्षिप्त ऐसा प्रलाप किया था, जिसके ऊपर आपको याद होगा कि निग्रहाचार्य ने उनको चेतावनी भी दी थी और चैलेंज भी किया था कि आप हमसे शास्त्रार्थ करिए, लेकिन शास्त्रार्थ करने की चुनौती तो वो सबको देते फिरते हैं राम भद्राचार्य स्वयं, लेकिन आज तक किसी ने शास्त्रार्थ करने नहीं गए। पहले उन्होंने तुलसीदास जी की गलतियां निकाली और 3000 गलतियां तुलसीदास जी की है ऐसा करके बोला, और उसके बाद संतों ने जब विरोध किया तो पूरी प्रतियां जमा करवाई और क्षमा मांगी थी उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ये चैलेंज जब स्वीकार कर लिया निग्रहाचार्य ने और तारीख दे दी कि इस तारीख को मैं आ रहा हूँ, तो राम भद्राचार्य खड़े हुए और भाग गए वहां से। ऐसा समझो कि आज तक उन्होंने किसी से शास्त्रार्थ करने नहीं गए, खाली धमकियां देना और सरकार की बातें सुनाना यही इनका काम रहा है, और इसी रास्ते पर ये जो बागेश्वर वाले हैं ये जादू टोना करना या चमत्कार दिखाना, ये चमत्कार दिखाना कोई परंपरा नहीं है, कोई शास्त्र नहीं है। हमारे यहाँ जो गली गली में घूमने वाले जो लोग होते हैं सपेरे वगैरह, वो भी कलेजा निकालकर हाथ में दिखाते हैं, किसी को काटकर जादूगर भी मंच पर दिखाता है, ये चमत्कार दिखाने से आप शास्त्रीय परंपरा या शास्त्र के जानकार है ऐसा नहीं है। और वो स्वयं मंच से बोले कि मैं शास्त्र का ज्ञाता नहीं हूँ, जब निग्रहाचार्य से शास्त्रार्थ करने की बात आई तब उन्होंने स्वयं कहा कि मैं कोई शास्त्र का विद्वान नहीं हूँ और मैं नहीं जानता हूँ, मुरे ऊपर तो हनुमान जी की कृपा है। इसका मतलब ही ये है कि उनका शास्त्र से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए बार बार जय जी मैं आपके पास आ रहा हूँ जी, किशोर जी को बोल रहे थे जी, तो उनकी ये परंपरा उनके गुरु की भी ये रही है, और बीच में आपको यार शायद याद होगा कि हनुमान चालीसा में गलतियां निकाली इन्होंने और शंकर स्वयं। अच्छा एक बात बोलिए किशोर जी, हिंदू एकता वो एकता पूरा जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं, सनातन बोर्ड बनाने की मांग कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान हिंदुओं का है, बहुत समय से ये कहा जा रहा था कि हिंदुस्तान को हिंदुओं के लिए किया जाए एकमात्र मुल्क, नेपाल के बाद अगर कोई बचेगा तो वो हिंदुस्तान है, तो नेपाल भी नहीं रहा आज की तारीख में, तो कोई हिंदू राष्ट्र रहा ही नहीं, वो हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा कहां कह रहे हैं कि आप लोग उनके इतने खिलाफ हो रहे हैं, क्या कह रहे हैं?
लास्ट क्या बोल रहा हूँ कि उनके हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कर रहे हैं जी, उसके भी आप खिलाफ है क्या? नहीं नहीं नहीं, देखिए एक बात यह है कि सनातन बोर्ड बनाने में कोई आपत्ति नहीं है, कोई सनातन धर्म की हिंदू धर्म की बात करता है और चंद्रलोक में भी रहता है तो हम उनके साथ हैं। हमारा सनातन की बात में कोई भी मामला उठाता है तो कोई भी कहीं से भी उठाए, कोई मुसलमान भी कहता है कि सनातन धर्म की इस परंपरा के हम साथ हैं तो हम साथ हैं। लेकिन परंपरा का विरोध करके शंकराचार्य का, आपको शायद पता हो परसों ही जैसा उनका स्टेटमेंट आया शंकराचार्य के विरुद्ध में और बाकी कुछ गड़बड़ियां इन्होंने की, तो पूरी शंकराचार्य जी ने भी इनका विरोध किया है। तो शंकराचार्यों का परंपरा का शास्त्र का रीति रिवाज का इनका विरोध करके आप हिंदू धर्म की या सनातन धर्म की बात करते हैं तो ये खोखली बातें हैं। मतलब आपकी चबाने के दांत अलग है और दिखाने के दांत अलग है, दिखाने के दांत अलग है। सोहेब सिद्दीकी साहब, सोहेब सिद्दीकी साहब, सनातन बोर्ड पे आपका टेक। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगा कि हिंदू दिखाई दे के मुसलमान दिखाई दे, अच्छे तरह रहने के इंसान दिखाई दे। आप देखिए जया मिश्रा जी और किशोर शास्त्री जी ने जो बात कही मैं उससे बहुत इत्तेफाक रखता हूँ। आप देखिए कभी कभी सस्ती शोहरत पाने के लिए आदमी कुछ इस तरह के कंडे अपनाता है कि मंदिर आम पर आ जाए। उन लोगों ने आपके मतलब की बात बोल दी ना सोहेब सिद्दीकी साहब, इसलिए आप इत्तेफाक रखते हैं। देखिए इत्तेफाक रख लीजिए ना, हिंदू रखे लीजिए। देखिए सर, कुछ भी देखिए, शुरुआत में बोल लेने दीजिए, उसके बाद फिर आपके पास आएंगे। सोहेब सिद्दीकी साहब बोलिए।